शर्मा हूँ मथुरा से। हम गर्गाचार्य के शिष्य हैं।
वाह अति उत्तम। सूर्य पूजा के लिए हमें ऐसे ही गुणों और ज्ञानी ब्राह्मणों की आवश्यकता थी। मुझे प्रसन्नता होती देवी, किंतु हम केवल बच्चों की पूजा करते हैं। ये पूजा भी हमारी नहीं, हमारे परिवार की नन्ही कन्याओं की है। कन्याओं? ओ नहीं नहीं नहीं, हम कन्याओं से बिल्कुल दूर रहते हैं, है ना विश्व जी? बिल्कुल, और हम किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते, केवल भगवान सूर्य की। परंतु हम भी आपको और कुछ नहीं करने के लिए कह रहे हैं, हमें तो सिर्फ सूर्य देव की ही पूजा करानी है। सूर्य पूजा, तब बात अलग है, तो क्या कहते हैं शिष्य? अलग है? हाँ अलग बात है। तो ठीक है, हम तुम्हारी विनती स्वीकार कर लेते हैं। आज दोपहर में सूर्य कुंड मंदिर में आ जाइए सारे चढ़ावे के साथ, हम पूजा करवा देंगे। चलो चलकर ये समाचार राधा ललिता और विशाखा को भी दे दें। विश्व शर्मा मथुरा से, और ये उनके शिष्य, यही हमारी सूर्य पूजा करवाएंगे। आसन ग्रहण करो, इतना निकट नहीं, चढ़ावों को पास में रखा जाए। स्वस्ति रुचम शाश्वत। मंत्र नानेना पद्यादीन मित्रायत्व समर्पया। ओम मित्राय स्वाहा, ओम मित्राय स्वाहा, ओम मित्राय स्वाहा। धन्यवाद ब्राह्मण देवता, हमने आज तक कभी ऐसे सुंदर मंत्र नहीं सुने। जी, अपनी दक्षिणा स्वरूप की मूर्ति लेकर हमें अनुग्रहित करें। इसकी कोई आवश्यकता नहीं देवी, हमारी सच्ची दक्षिणा तो भगवान सूर्य की प्रसन्नता में ही निहित है। परंतु आपको दक्षिणा से प्रसन्न किए बिना पूजा अधूरी मानी जाएगी ब्राह्मण देवता। अच्छा अगर ऐसा है तो हम थोड़े से लड्डू स्वीकार कर सकते हैं। और थोड़ा सा संदेश। क्या मैंने आपको बताया कि मेरे गुरुदेव को रसगुल्ले पसंद हैं? हमारे गोपिकाओं के लिए करें। ये तो हमारा सौभाग्य होगा, सच्चा सौभाग्य। आज मन बड़ा प्रसन्न हुआ, मैंने भी कभी इतने भले और महान पुरोहित नहीं देखे। और मैंने भी कभी ऐसे मिठाई के भूखे पुरोहित नहीं देखे। और अगली बार हम कहेंगे कि वे प्रसाद में थोड़ा श्रीखंड भी दें। Oh, my God.
अब हम यशोदा को बताएंगे कि कृष्णा बेचारी लड़कियों का सारा दूध माखन लूट लेता है। उसे बड़ा गर्व होगा कि उसका सपूत कृष्णा अब गाय चराना छोड़कर महाराज का विशेष अधिकारी बनकर कर वसूलता है। रुको, मैया को मत बताना, वो मुझ पर गुस्सा करेंगी। गुस्सा तो वो करेंगी ही। छोड़ो मुझे जाने दो, आज के बाद मैं वेश बदल कर किसी को तंग नहीं करूंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम तुम्हें सिखाएंगी कि दूध मक्खन ले जाने के लिए कैसे वस्त्र पहनने चाहिए। क्या कहती हो चंद्रिका? हाँ, ये तो आवश्यक है। चलो। अब देखो लग रहा है ना बिल्कुल गोपी। यशोदा को कोई इसका ये रूप दिखाओ। ओ मुझे जाने दो। पर तू तो बड़ा सुंदर लग रहा है। बिल्कुल यशोदा की सुंदर सी बिटिया लग रहा है ये। शायद मेरा पुत्र सुबाला तुमसे विवाह कर ले, तब तो तुम मेरी भी पुत्री बन जाओगे। मैं वचन देता हूँ, आज के बाद मैं कोई शरारत नहीं करूँगा, सच्ची। हाँ हाँ चलेगा ना, ये कर तो ले जो जाओ। तुम्हारा मन भर गया इस तरह मुझे लज्जित करके? तुम सब प्रसन्न हो गए ना, अब तो मैं जा सकता हूँ। जाने से पहले हम नृत्य नहीं दिखाओगे? चलो बाजा बजाओ। नाचो कृष्णा नाचो। तुम होती कौन हो निंदा करने वाली मुझ जैसी सदाचारी सज्जन की? सदाचारी कृष्ण जिसने जन्म होते ही एक नारी के प्राण हर लिए और बचपन में सबके घरों से माखन चुरा कर अपनी मैया से कितनी सरलता से झूठ बोलता था। हाँ, बड़ा स्वादिष्ट होता था वो। और जब ये थोड़ा बड़ा हुआ तो स्नान करती बेचारी गोपियों के वस्त्र चुराने में भी इसे लज्जा नहीं आई। बस लो निर्लज्जा। तो ऐसा सज्जन और सदाचारी है तुम्हारा मित्र कृष्ण। बोल लिया तुमने, अब मेरी बात। इनसे लड़कर और अधिक अपमानित होना पड़ेगा कृष्णा। आजकल मेरी सज्जनता का कोई महत्व ही नहीं रह गया। चलो गाय को किसी और स्थान पर ले जाए। पंख माथे पे जड़ा और होठों पर मुस्कान रे, रस रचाए बंसी बजाए वो राधा का सामर। मोर पंख माथे पे जड़ा और होठों पर मुस्कान रे, रस रचाए बंसी बजाए वो राधा का सामर। खेल खेल मुर्गी मेरा वो पाप का हर संग्राम रे, हर दिल हर मुख गाएगा उसका ही अब नाम रे। अनेक सुमधुर लीलाएं की जैसे कि देखो आज फिर से हमारी मत
की टूटी हुई है। यह जरूर उस नटखट कान्हा की ही शरारत है। चलो आज हम सब जाकर उसकी शिकायत यशोदा मैया से करते हैं। हाँ हाँ चलो। यशोदा मैया, यशोदा मैया, अरे ओ यशोदा मैया, क्या हुआ? देखो आपके कान्हा ने क्या किया है, आज फिर से उसने हमारी मटकी तोड़ी और सारा माखन चुरा लिया। क्या कान्हा ने माखन चुराया? परंतु वह तो प्रातः काल से यही है। काना, अरे ओ काना। हाँ मैया, क्या तूने इनका माखन चुराया? मैंने? पर इनका माखन चुराया? आपके हाथों से बना स्वादिष्ट माखन छोड़कर मैं क्यों इनका माखन चुराने लगा? नहीं मैया, ये झूठ बोलता है। कल इसने विशाखा की भी मटकी चुराई थी। क्या राधा, मैं झूठ बोल रहा हूँ? कृष्णा, तुम सब तो हमेशा ही मेरे कान्हा की शिकायत करती रहती हो। क्या हमारे घर में माखन की कोई कमी है जो मेरा लाला तुम्हारे हाथों से बना माखन चुराए? ठीक है भैया, अब तो हम तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ कर ही तेरे पास लाएंगे। इसके पश्चात दादा रानी और सारी गोपियों ने माखन चोर कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ने हेतु एक विशेष योजना बनाई। अरे भैया, मेरे तो समझ में नहीं आता कि ये दोनों छोरे कौन सी माटी के बने हैं। ऐसा मारा कि दोनों असुरों को ढेर कर दिया। अच्छा, ऐसे झपके कि हम तो दंग रह गए। ये सब देवों के राजा देवेंद्र इंद्र की कृपा से हुआ है, हमें उनकी पूजा की तैयारी करनी चाहिए। अरे सुनो, यशोदा से कहो उनकी पूजा की तैयारी आरंभ करें। मैं अभी आया, आप लोग भी जाकर पूजा की तैयारियां कीजिए। हाँ हाँ चलो, हाँ चलो,
बाबा से भी पूछ लिया करो काना। बाबा से काहे पूछ लिया करे, मेरा लल्ला तो बस मुझसे ही पूछेगा। और सुन लो जी ठीक से, मेरे लल्ला और मेरे बीच कभी मत आना, मैं कह देती हूँ। हाँ जा लल्ला, छीके पर से माखन उतार कर खा ले, पर पहले ये तो बतलाओ कि ये सब क्या हो रहा है। ये सब देवराज इंद्र की पूजा के लिए है मोहन। पर इंद्र की पूजा किस लिए कर रही हो मैया? अरे ऐसा नहीं कहते लल्ला, देवराज का क्रोध बड़ा भयानक होता है। मैया हम भयानक की पूजा क्यों करें? क्रोध करना तो अच्छी बात नहीं है। ये कैसा भगवान है मैया कि पूजा न करो तो क्रोधित हो जाए? पूजा करना तो प्राणी का कर्म है ना मैया, परंतु पूजा करवाना तो भगवान का कर्म नहीं हो सकता। अजी आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, समझाओ इसे। तुम ही समझाओ, मैं तुम्हारे और तुम्हारे काना के बीच में क्यों आऊं? वैसे ये बात तो मन लगती कर रहा है। आप पिता हैं पिता, बेटी को समझा नहीं सकते तो ना समझाओ, पर भड़काओ तो मती। तुम्हारे कान्हा को कोई नहीं भड़का सकता यशोदा, दूसरे लड़के तो केवल गलिये चराते हैं, ये तो सारी भड़काओं को चराता रहता है। बस मैंने कह दिया ना कि इंद्र की पूजा नहीं होगी। ये पूजा तो पुरखों के दिनों से होती चली आ रही है लल्ला, पूजा बिना तो जीवन ही नहीं। हाँ, जो पूजने योग्य हो उसी की पूजा करो मैया। और पूजने योग्य कौन है लल्ला? हम तो ग्वाले हैं ना बाबा, करो अब बुलाओ अपने ग्वाला धन को रक्षा के लिए।